आया. आई थिंक द क्राउड वॉज अमेजिंग एंड काफ़ी मज़ा आया उनसे बात करके. बहुत ही बेहतर. ये मेरी मेरा पहली बार है कि मैं इसका हिस्सा बनी हूँ और मुझे तो आई मीन समटाइम्स आपको पता भी नहीं चलता कि क्या क्या चल रहा है यू नो फिल्मों को लेकर. और तो मुझे तो बहुत मज़ा आया टू बी बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल द प्रोजेक्ट. एंड बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. आई थिंक ये 9th ईयर है इसका, राइट? सो आई लव द फैक्ट, आई मीन आई लव द इंडस्ट्री, आई लव फिल्म एंड आई लव एवरीथिंग. जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑफर करते हैं नए टैलेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, मैं तो आई एम ऑल फॉर देम. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट वे टू जस्ट ब्रिंग इन टैलेंट टू द इंडस्ट्री एंड गिव देम अ चांस. मैन काफ़ी एंजॉय तो बहुत कुछ किया हमने, क्योंकि जिम साहब लेट भी आया था तो काफ़ी मज़ेदार था. आई थिंक हम सब काफ़ी, मेरे लिए एक रियूनियन था क्योंकि कीर्ति के साथ भी मैंने काम किया हुआ है, राधिका के साथ भी, जिम के साथ भी मैंने किया हुआ है, तो एक छोटा सा रियूनियन भी हो गया. और अच्छे सवाल पूछ रहे थे अंकुर फाटक साहब. और आई थिंक थोड़ा सा और समय मिल जाता टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस. आई थिंक समय की थोड़ी कमी पड़ गई, बट आई थिंक थोड़ा सा एक 5-10 मिनट और मिल गया होता तो आई थिंक थोड़े इंटरेस्टिंग सवाल, काफ़ी सारे लोग सवाल पूछना चाहते थे. तो होपफुली वो लोग वो सोशल मीडिया और समथिंग लाइक हमको मैसेज करेंगे, वो सवाल करेंगे.